स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन डिलेमा यानी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है और किस वजह से आप में से कई बार सारे बच्चों के मार्क्स 200 प्लस हो गए हैं। तो ये कई लोगों का मैसेजेस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे मुझे कई बच्चों के मैसेजेस आए कि सर ये 200 प्लस नंबर कैसे आ रहे हैं, एसएससी ने घपला किया है। और कई तमाम तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, करप्शन हो रहा है, पैसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हर तरीके के लोग हैं, उन सारी बातों को हम एक बार क्लियर करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में एंड क्यों बच्चों के नंबर 200 प्लस आ रहे हैं, क्या कारण है इसका, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको बता रहा हूं और क्या सारी चीज़ें इस वीडियो की हैं आपके लिए, इस वीडियो में ज़रूरी हैं और क्यों मैंने इसको वीडियो बनाया है। ठीक है, देखिए इसके पहले भी मैंने CPO का जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था तब भी मैंने एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसे आप आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि बच्चों के नंबर 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं और जितना नंबर आया है उससे कम भी हो सकते हैं। तो अगर अभी तक फिलहाल मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला है जहां पर ना मार्क्स कम हुए हों, डिक्रीज हुए हों, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अपना स्कोर कार्ड। आप मुझे aman.sscmentor@gmail.com पर मेल कर दीजिएगा तो जिससे कि लोगों को बात अच्छे से समझने में आसानी हो कि स्कोर कैसे आपके बढ़ते या घटते हैं। इसके बारे में मैंने एक पहले का वीडियो एक बनाया था तो मैं आपसे कहूंगा कि वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप सीजीएल 2019 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बैच आपके लिए लॉन्च है जो कि 16 अगस्त से शुरू हुआ है, 31 दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा जिसमें हम सभी लोग मिलकर सारे कोर्स पढ़ा रहे हैं। मैं आपका इंग्लिश कवर कर रहा हूं और बाकी के एजुकेटर्स बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है अमन त्रिवेदी। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5000 रुपये का होता है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि अमन त्रिवेदी है उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं तो आप उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 5000 की कॉस्ट घट के 4000 रुपये तक हो सकती है और आप 4000 रुपये में सभी टीचर से पढ़ सकते हैं जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। ठीक है, सो आप मेरा इस कोड को इस्तेमाल कीजिए अमन त्रिवेदी जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जिसके आगे इस वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक वार्निंग बताना चाहूँगा। सिंपल सी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं, ना ही आप पे जिनको भी गलत फहमी होती है उनके साथ एक ही कारण होता है वो वीडियो पूरा नहीं देखते। तो यार अगर आप चाहते हो कि कोई गलत फहमी ना हो और आप बिना वजह आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी ऐसी भली बुरी बात ना कहें तो उसके लिए पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इस बात को प्रॉमिस कीजिए। और अगर तब भी थोड़ी सी बात कम समझ में आती तो आई बटन में जो वीडियो पड़ा है वो वीडियो भी जरूर देखिएगा तो समझ में आएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो भी स्कोर कार्ड्स मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ दे आर रियल, मुझे मेल पर रिसीव हुए हैं। मैं उनकी डिटेल्स नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मना किया है, प्राइवेसी सभी की इंपॉर्टेंट है तो ऑथेंटिसिटी को आप सवाल नहीं उठा सकते। कैलकुलेशन जो मैं आपको करके दिखाऊंगा वो कैलकुलेशन जो है आपके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो मैं दिखाऊंगा वो एकदम सही है, लेकिन जो मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा उसमें से कुछ फिगर्स मैंने एज्यूम की हुई हैं क्योंकि मेरे पास सारी फिगर्स नहीं है। तो जो भी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं वो एक रॉ डेटा है, ठीक है, उसे आप रॉ डेटा समझिए। एसएससी का डेटा एक्चुअल होगा, एक्चुअल एग्जाम का, मेरे पास एक्चुअल एग्जाम का डेटा नहीं है, मेरे पास रॉ डेटा है। तो उस रॉ डेटा के बेसिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन हाउ स्कोर वेंट बियॉन्ड 200 मार्क्स, कि ये 200 से पार मार्क्स गए कैसे हैं, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने की शुरू ठान चुके हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी और फिर आप कमेंट सेक्शन में इधर उधर की बात करते रहेंगे। देखिए ये 10th जून की शिफ्ट 2 का स्कोर कार्ड है, इसमें बच्चे के रॉ स्कोर था 153 और स्कोर आया इसका 182, समझ में आई। इंक्रीमेंट कितना हुआ 28 नंबर का, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो, थोड़ा सा यहीं पर तुम सोचना, इसका कितना स्कोर आया है 153 रॉ स्कोर है। अगर इसी बच्चे के नंबर, अगर आप ये मान के चलिए अगर इसी बच्चे के नंबर कितने बढ़े हैं 28 नंबर, ठीक, अगर इसी बच्चे के नंबर 182 होते, ठीक, अगर इसका इस रॉ स्कोर होता 182 तो इसका नंबर कितना बढ़ता 28 नंबर, तो इसका स्कोर तब कितना होता 210। अब थोड़ी कहानी समझ में आ रही है क्यों ये शिफ्ट, क्यों बच्चों के नंबर 210 हैं। अब मान लीजिए शिफ्ट में किसी बच्चे के 182 होते तो उसका नंबर कितने बन रहे, 210 हो रहे हैं, इस वजह से उस लोगों के नंबर 200 पार गए हैं। ऐसे ही शिफ्ट 1 देखिए, 12 जून की शिफ्ट 1 का है, ये एक बच्चे ने मुझे मेल किया था, इसका रॉ स्कोर था 141, नॉर्मलाइजेशन के बाद आ रहा है 166.66, कितना बड़ा 25 नंबर। अब यहाँ पर सोचो अगर किसी का 185 होगा तो 25 जोड़ोगे तो कितना बनेगा,
अगर आप किसी का एक स्कोर 185 है और उसमें 25 जोड़ेंगे तो फिर से 210 बन रहा है, देखिए फिर से पहुंचा 200 के पार। इसी तरीके से शिफ्ट वन देखो, 12 जून की शिफ्ट वन का ही पेपर है ये भी, यहाँ पर बच्चे का स्कोर कितना है 129 और 153, तो आप ये देख रहे हो लगभग आसपास उतना ही नंबर बढ़ रहा है। अगर आप 153.39 में से अगर आप माइनस करते हैं 129.5 अगर माइनस करेंगे तो 23.89, और पहले मैंने 12 जून सेम शिफ्ट है यहाँ पर 25 बढ़ा था, यहाँ पर लगभग कितना बढ़ रहा है 23.89, तो लगभग लगभग मार्क्स बराबर बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आई कि जो मैं कह रहा हूँ कि लगभग लगभग जो नंबर हैं वो बराबर बढ़ते हैं हर शिफ्ट में, लगभग मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान दीजिए, अप्रॉक्सीमेट बातों को पकड़ते हैं आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली बराबर नंबर बढ़ते हैं। आगे देखो फिर से 12 जून शिफ्ट वन का ही है और यहाँ पर 152 से हुआ है 178, इंक्रीज कितना हुआ 25 नंबर का, समझ में आया। इसी तरीके से 12 जून शिफ्ट थ्री का है, यहाँ पर 135 से हो रहा है 150, मतलब कितना बढ़ रहा है फिर से 25 नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 4th जून शिफ्ट वन 99 से हो रहा है 138, कितना हो रहा है 39 मार्क्स बढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। अब अगर आप यहाँ पर क्रिबिंग कर रहे हो ना कि क्या कहते हैं कि इस बच्चे के 199 मार्क्स थे फिर भी ये फाइनल स्कोर पे पहुँच गया, तो बेटा ये समझो इसकी जो शिफ्ट थी वो बहुत टफ थी। अगर उसकी शिफ्ट टफ है तो भाई नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर 40 नंबर बढ़ रहे हैं तो तुम्हें क्यों दिक्कत है, यहाँ पर आपकी स्केलिंग एक तरीके से बराबर हो गई। अभी तक आपको अगर आप 2017 तक बात करें तो लोगों को यही शिकायत थी कि पहले के पेपर बहुत टफ थे और बाद के पेपर आसान थे, और इस बार का फ़र्क आप देखिए, ये 4 जून की शिफ्ट वन का है 39 बढ़े हैं, ये 12th जून की शिफ्ट वन है 25 बढ़े हैं, 23 बढ़े हैं, तो बाद वाली शिफ्ट में नंबर कम बढ़े हैं, आपको ये दिख रहा है क्लियरली। 6th जून शिफ्ट वन देखिए 119 से हुआ है 153, कितना बढ़ा 34 नंबर बढ़ा। आगे देखो 10th जून शिफ्ट थ्री देखिए 31 से कितना हो रहा है 137.5 एंड 138.99, तो कितना बढ़ रहा है यानी कि 31 नंबर बढ़ रहा है, 137 से 138 हो रहा है 10th जून शिफ्ट थ्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कहानी समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपको आपने जो देखा है अभी तक जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो ये वाला हुआ था कि रॉ स्कोर इस बच्चे का 175 था, 214 थे। अब मैंने आपको ये बात समझाई कि क्यों ऐसा हो रहा है भाई, अगर इसी शिफ्ट में अगर किसी के बच्चे के नंबर 150 होंगे तब थोड़ी इतना बढ़ेगा, तब तो उतनी, अगर 40 नंबर बढ़ा तो 190 हो जाएगा, लेकिन अगर 175 है तो भाई 200 के पार स्कोर जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन। इसी तरीके से अगर 7th जून शिफ्ट 3 का देखिए, यहाँ पर 128 से 162 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, करीब करीब 40 नंबर बढ़ रहा है, 39 नंबर बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इस शिफ्ट में आपको मैं कैलकुलेशन अप करके दिखाता हूँ क्या है। अब देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि SSC फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करती है। SSC ने जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था, m बराबर x माइनस वाई पी माइनस क्यू ओ माइनस डी प्लस के, ये SSC ने फॉर्मूला दिया था नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। अगर SSC ने ये फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का दिया था तो उससे आपको ये समझ में, अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इस फॉर्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि m बराबर कितना है आपका, m बराबर इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, m बराबर m माइनस a माइनस b अपॉन c माइनस d o माइनस d प्लस b, ठीक, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो m बराबर होता है आपका मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, a बराबर हो गया एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट्स, b बराबर हो गया एक तरीके से सम ऑफ एवरेज मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब b बराबर कट ऑफ ऑफ ऑल शिफ्ट, जितनी कट ऑफ गई है वो, ठीक है। इसी तरीके से हम c पर आते हैं तो c बराबर हो जाता है आपका एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ योर शिफ्ट, ठीक है, और d बराबर हो जाता है आपका कट ऑफ ऑफ योर शिफ्ट, ठीक है, तुम्हारी शिफ्ट की कट ऑफ, ठीक। अब उसके योर मार्क्स विच यू गॉट रॉ स्कोर, o इज द रॉ स्कोर, समझो इस बात को ध्यान से, क्या कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स वो ले रहे हैं, m इज द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, a इज द टॉप 0.1%, ठीक। इसी तरीके से c टॉप 0.1% तुम्हारी शिफ्ट के, इसी तरीके से b कट ऑफ पूरी शिफ्ट के, इसी तरीके से c कट ऑफ, d कट ऑफ हो गया तुम्हारी शिफ्ट का, और o तुम्हारा ओरिजिनल स्कोर हो गया, बात समझ में आई। अब इन्हीं से करके वो फॉर्मूला निकालते हैं और रिजल्ट निकालेंगे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप SSC ने ये डेटा इन्होंने पब्लिश किया था, SSC ने टोटल बच्चे का रजिस्टर्ड थे 25.97, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर जो एग्जाम में हुए वो हुए 8.37 लाख, ओवरऑल परसेंटेज ये रही, और टोटल शिफ्ट हुई 21, ठीक। यहाँ से इन वैल्यूज़ को जरा रखिए तो टोटल एस्पायरेंट्स कितने हो गए, करीब करीब 26 लाख हो गए भाई, 0.0 मैंने इसको बढ़ा लिया थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रॉ स्कोर है तो एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास, ठीक। अपीयर कितने हुए 8.37 लाख, टोटल शिफ्ट कितनी हुई 21,
तो करीब करीब एक शिफ्ट में कितने लोग बैठे, 39,875, दैट इज 40,000 लोग लगभग एक शिफ्ट में बैठ रहे थे। तो 0.1% जो हुए आपकी ऑल शिफ्ट के मिला के 837 शिफ्ट के, वो कितने हुए, 837 स्टूडेंट्स। टॉप 0.1% कितने होंगे, 837। ठीक, 837 बच्चों के आप एवरेज मार्क्स देखना। अब देखिए, अगर हम मानते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 837 स्टूडेंट्स, अगर हम सारी शिफ्ट की बात करें, सारी शिफ्ट जितनी भी हैं सबको मिला लें, तो अगर सारी शिफ्ट का मिलाएंगे और तो पूरे 837 बच्चे ऐसे होंगे जिनका एवरेज नंबर 190 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट आसान थी, कुछ शिफ्ट टफ थी। अगर 175 आपने देखे तो एवरेज मार्क्स 190 तक आपके आ सकते हैं। ठीक, कट ऑफ जो है सभी शिफ्ट की कितनी है, 137 गई है। एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% इन योर शिफ्ट, तुम्हारी शिफ्ट में एवरेज कितना है टॉप 0.1% का, 1% का मैंने मान लिया 170। ठीक है, मैंने ये माना कि एवरेज मार्क्स जो टॉप 0.1% है आपकी शिफ्ट का है 170। ये मैं इस वाली शिफ्ट का मान रहा हूँ जिसमें उस बच्चे के नंबर थोड़े से ज़्यादा थे, आप मैं इस वाली शिफ्ट का मान रहा हूँ, कहाँ गया ये इसमें, क्योंकि अगर इसके 175 है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टॉपर्स में से है, इसके 214 आ रहा है तो मैंने ये मान लिया कि ये टॉपर्स में से है। अगर ये टॉपर्स में से है तो ये मान सकते हैं कि इसकी शिफ्ट के यानी कि 40 बच्चों के नंबर 170 के आसपास होंगे इसकी शिफ्ट में। अगर इसके 175 हैं तो 40 नंबर ऑन एंड ऑन, 40 बच्चों के ऑन एंड एवरेज 170 नंबर होंगे। अगर ऐसा है तो आप इनको फॉर्मूले में रखिए, C बराबर 170 आ गया, D हमने निकालना है उसकी शिफ्ट का कट ऑफ, B बराबर एक्चुअल कट ऑफ, उसके मार्क्स कितने हैं 175, नॉर्मलाइज मार्क्स भी हमें दिए हुए हैं 214। इन सभी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ रखा, 175 माइनस 137 अपॉन 170 माइनस D, दैट इज़ नॉर्मलाइज उसकी शिफ्ट का कट ऑफ, 175 माइनस D यहाँ पर करा, क्योंकि ये उसका कट ऑफ स्कोर है, ये 137 एक्चुअल कट ऑफ है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आती है, 158.95, यानी कि लगभग इसकी शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो है 160। इसका मतलब जो भी शिफ्ट का ये बच्चा है, मुझे नहीं पता कि शिफ्ट का है, लेकिन जिस भी शिफ्ट का ये बच्चा है उस शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा टफ थी, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया कि अगर किसी शिफ्ट में बच्चों के नंबर 41 नंबर तक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक जगह जहाँ पे अगर बच्चे के नंबर 40 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 40 मार्क्स तक बढ़ रहा है, अब अगर इस शिफ्ट में किसी का 175 नंबर है और अगर वो 40 ऐड कराएगा तो कितना होगा, 215 ही तो होगा। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अगर ये बच्चा 4 जून शिफ्ट 1 का है, जिसमें जिसने भी ये स्कोर कार्ड भेजा है, अगर ये 4 जून शिफ्ट 1 का है या किसी और शिफ्ट का है, तो स्कोर तो लगभग उतना ही बढ़ेगा, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग। ठीक है, तो देखो इसका मतलब इसकी जो शिफ्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, इसी वजह से उसकी जो शिफ्ट का कट ऑफ था वो 160 था, फिर भी उसके नंबर जो हैं 175 थे, इसलिए वो बढ़ के 214 हो गए। इसी तरीके से हम 7 जून शिफ्ट 3 के लिए ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर उसका रॉ स्कोर 128 है, फाइनल स्कोर 162 है। ठीक है, देखिए अब उसकी शिफ्ट का कट ऑफ जो है, मैंने माना सी जो है उसकी शिफ्ट का जो सी था हमारा, सी जो था उसकी शिफ्ट के एवरेज बच्चों के नंबर, तो मैंने कहा इसकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो थोड़ा सा, इसकी शिफ्ट जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर 128 से 162 है, मैंने कहा ये शिफ्ट और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर इस शिफ्ट में 140 उसका एवरेज जा रहा है बच्चों का, तो हमें इसकी कट ऑफ निकालनी है, तो एक्चुअल कट ऑफ कितनी होगी, यहाँ पर मैं उल्टा बोल गया था, ये आपकी टफ नहीं, ये ईजी शिफ्ट में आएगा ना, ये ईजी शिफ्ट में आएगा, यानी कि इजी शिफ्ट में जिसकी कट ऑफ 160 जा रही है, अगर इजी है तभी तो 160 जा रही है, और अगर इजी शिफ्ट में भी आप अगर ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो नंबर तो ओवरऑल ज़्यादा बढ़ेंगे ना। यही फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन का हुआ है कि अगर बच्चे के नंबर कम भी ज़्यादा भी आए या कम भी आए हैं, अगर इजी शिफ्ट है तो वो उस हिसाब से मैनेज हो जाएंगे, अगर इजी शिफ्ट में किसी के 105 आएंगे तो फिर वो 145 पे रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहीं से इसी तरीके से अगर ये वाली शिफ्ट टफ है, इसमें एवरेज 140 आ गया, उसके नंबर 129 हैं, एक्चुअल कट ऑफ 137 है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मलाइज मार्क्स 162 हैं, तो यहाँ से जो उसकी शिफ्ट की कट ऑफ है वो आती है 119, यानी कि ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, ये शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, इस वजह से इसके नंबर सिर्फ 40 नंबर तक बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी कि क्यों आपके नंबर जो हैं किसी बच्चों के नंबर 200 के पार जा रहे हैं
और किन के कम हो रहे हैं। अब मैं आपको एक 100 बात की 1 बात बताता हूँ। 100 बात की 1 बात यह है कि आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एसएससी ने जो किया है वो ऐसे ही होगा। अगर आपको इस पे भी केस खेलना है तो खेलते रहिए। 2017 पे भी केस चल रहा है, 18 पे भी कर लीजिए, 19 वाले पे भी कर लीजिएगा और ज़िंदगी भर केस ही खेलते रहिएगा। और जिन्होंने सेलेक्ट होना है वो सेलेक्ट हो जाएंगे और अपना आराम से जॉब करेंगे। अगर आपको क्रिबिंग करनी है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को लेकर अभी क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये है वो है, तमाम तरीके का ज्ञान अभी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि आप अगर पढ़ना है, अगर सेलेक्ट होना है, तो इन सब चक्करों में मत पढ़ो, चुपचाप अपनी स्टडी पे फोकस करो। आप में से कई बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि सर इतने 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, इतना स्कोर है। कई बच्चों का मैसेज आया कि सर इतना स्कोर आ रहा है, बहुत ही हम डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ही डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, 162 स्कोर है, बहुत ही डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, 150 स्कोर है, डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, क्या करें सर, टीए भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक बच्चे का मैसेज था कि सर टीए भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैंने यही कहा कि देखो भाई टीए भी नहीं मिलेगी अगर आप यहाँ पे बैठ के मैसेज करते रहोगे, अगर जाके पढ़ाई करोगे तो टीए के एमईए भी मिल सकती है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में एग्जांपल दिखाया था, अब देखिएगा उस स्ट्रेटजी वीडियो को अगर नहीं देखा है तो सीधी सी बात है, आपको इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है कितने बढ़े कितने नहीं बढ़े। अगर आप पढ़ाई करोगे तो यार तुम्हारे टीयर 2 में बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। पढ़ाई पे फोकस करो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, किसका मार्क्स कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, एसएससी करप्शन कर रही है या नहीं कर रही है, इन सब से तुम्हारा कोई भला नहीं होना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिसके भी जो अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज क्वेरल टूल्स, सीधी सी बात है। अगर आपने अच्छा पढ़ना है, अगर आपने सेलेक्ट होना है, तो आप चुपचाप इस वीडियो को लाइक करके जाओगे और सेलेक्ट हो जाओगे। जिसको नहीं सेलेक्ट होना है, जिसको सिर्फ बहस करनी है, वो कमेंट सेक्शन में बहस में उलझेगा, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करिए, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, किसका कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है नन ऑफ योर बिजनेस, आप इन सब चीज़ों को छोड़िए। और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मैंने फिलहाल इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि कई बच्चे इस बात को लेकर परेशान थे कि ये 200 के पार कैसे जा रहा है, तो 200 के पार की कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, बता दिया कि क्यों जा रहा है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। डेली बाकी असाइनमेंट के लिए मैं डेली असाइनमेंट आपको देता रहता हूँ 30 questions का। अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो aman.sscmentor पर आप जाइएगा, वहाँ से आप उस असाइनमेंट को डेली सॉल्व कर सकते हैं। तो aman.sscmentor पर जाइएगा और अपने असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिएगा डेली से। डेली 30 questions का मैं असाइनमेंट देता हूँ, आप जाके उसे सॉल्व कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये जो 10-15 दिन बचे हैं इसमें इतनी मेहनत कर डालिए कि जितनी आपने अभी तक ना करी हो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और अपने मार्क्स को जितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करिए, क्योंकि जितना मार्क्स आपके जितना अच्छे आएंगे उतना सिलेक्शन की प्रॉबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। जी तोड़ के मेहनत करिए, जी लगा के मेहनत करिए, मन लगा के, और सेलेक्ट होके बताइए कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, वो एक अच्छी बात होती है, बजाय इन सब चक्करों में पढ़ना कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है, 200 कैसे आ रहे हैं, 300 कैसे आ रहे हैं, ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपकी मेहनत, आपकी कॉपी, आपका पेन, तो उठाइए और मेहनत करिए, पेन से सवाल लगाइए और सेलेक्ट होकर दिखाइए, ठीक है। देखो फाइटर वही है, फाइटर इज़ द वन हु फाइट्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है। जो एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है, जो बहाने ढूंढता रहता है, वो बहाने ढूंढता रहता है। जिसको सेलेक्ट, देखिए आपको किसी कार्य को, काम को करने के लिए एक रीज़न चाहिए होता है और किसी काम को नहीं करने के लिए 100 reasons चाहिए। तो जिसका भी सिलेक्शन नहीं होगा वो इन सारी चीज़ों को दोष देगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं सही से हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और जिसको सेलेक्ट होगा वो सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएगा। तो ये समझो, आप चूज़ कर लो आपको सक्सेस स्टोरी सुनानी है या वो रीज़न सुनाने हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर आपको मौका मिला है, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन की बदौलत है, किसी भी वजह से आपको मौका मिला है कि आपका टीयर 1 में अच्छा स्कोर आया है, तो बस चुपचाप लग जाइए, कॉपी पेन उठाइए, लग जाइए और टीयर 2 में अच्छा स्कोर कीजिए। टारगेट करिए 180 प्लस का दोनों ही सब्जेक्ट्स में, आराम से 360 प्लस लेके आइए, सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। और बाकी जो 2019 वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, अगर आप अच्छा करके आएंगे, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया कि अगर आप एक किसी भी पेपर में 175 लेकर आएंगे तो भाई फ़ायदा होगा। अगर 175 है, अगर शिफ्ट थोड़ी आपकी आसान हुई तो 20 नंबर बढ़ेगा, डिफ़िकल्ट हुई तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, सीधी सी बात ये है आपकी, ठीक है। तो ओवरऑल मार्क्स आपके बढ़ेंगे अगर आप अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में। हाँ, अगर लेके ही आप 100 नंबर लेकर आओगे तो भाई बढ़ने के बाद भी वो 140 ही रहेंगे, लेकिन हाँ अगर 180 लेकर आओगे तो बढ़ने के बाद वो 220 हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ जितनी बात बताई है उतनी समझ में आई होगी आपको, और बस पढ़ाई पे फोकस करिए, मेन फोकस आपका पढ़ाई होना चाहिए। बाकी कल मैं आपको 1-2 और वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको एक्टिव पैसिव और पैरा जंबल पढ़ा करना सिखाऊंगा।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और amantrivedi.com पर जाके असाइनमेंट सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, @amantrivedi टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।